गुजारिश करूंगा जो जुल्फकार साहब से तशरीफ लाए और वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नॉन सेक्रेटरी मेरे सीनियर दोस्तों भाई और बहनों सामने मैं ये समझता हूँ ये जो हिंदुस्तान का एक मुसलसल अमल जो है एक हिंदू स्टेट बनाने का अगर हम इसका थोड़ा सा जायजा लें तो शायद जो आरएसएस बनी थी 1925 में ये उसकी कंटिन्यूटी है और जिस तरह उसने इस हिंदुस्तान में ये कह के इस चीज की बुनियाद रखी थी कि ये हिंदुओं का मुल्क था और यहाँ मुसलमानों ने लंबी जो हुकूमत की और उन्होंने उस काम का आगाज किया और चलते चलते जब वो 82 में आए और जो उन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा और वो बीजेपी के जो थे वो इसका हिस्सा बने और जब पहली दफा उन्होंने दो सीटें जीती और चलते चलते अब वो इस पोजीशन में है कि वो बीजेपी में बहुत बड़ा जो है हिस्सा जो है उनका शेयर है और उसकी कंटिन्यूटी का नाम है और जिस तरह वो इस फंडामेंटलिज्म को लेके आगे चलते हैं और जिस तरह वो इसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं कि हम सेक्युलर स्टेट हैं और उसके बरक्स काम करते रहे हैं और जबकि दुनिया में पाकिस्तान को बदनामी का कोई उन्होंने एक भी मौका ना जाने दिया छोटा सा इंसिडेंट हुआ सीएमबीपी का एक्सप्लॉइट किया और जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन वायलेशन का ये वाकया है हिंदुस्तान में हुए हम उसको आवाज नहीं उठा सके। दोस्तों भाइयों मैं आपको लेके चलूंगा 20 अक्टूबर 1947 में जबकि ऐलान हुआ हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ शमूलियत का ऐलान किया और फिर भी 26 अक्टूबर को जिस तरह उन्होंने इसमें समरसॉल्ट लिया और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन का साइन हुआ नेहरू के साथ और जिस तरह उन्होंने यूएनओ में जाके जंगबंदी का ऐलान किया और जिस एक मुसलसल सिलसिले को चलते चलते आज वो इस जगह पहुंच गए कि आर्टिकल 370 और 35 को उन्होंने जिस तरह अपोलिश करके वहां पे हुकूमत कायम कर दी। तो दोस्तों भाइयों मेरे सीनियर यहाँ मौजूद है मैं उनसे ये समझता हूँ कि वो इस बात का मुझसे कहीं ज्यादा इसका दराज रखते हैं कि आज कश्मीर की वो पोजीशन हो गई है जो कश्मीर की पोजीशन थी पार्टीशन थी ये आज उस मुकाम पे खड़ा है जहां पे उन्होंने फैसला करना है और जो उनका एक इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था उस वक्त हरि सिंह का आज वो ओपन हो गए। मैं ये समझता हूँ कि ये आज इस चीज का भी नाम है कि ये पाकिस्तान के लिए जो बांग्लादेश में लोना खेल खेला गया ये पाकिस्तान के लिए ऐसा मौका है जिसमें पाकिस्तान एग्रेशन करके जो है कश्मीर को जो है हासिल कर सकता है। दोस्तों भाइयों इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो आज उसका एक इंडिपेंडेंस स्टेटस खत्म हो चुका है आज कश्मीर जो है ना तो इंडिया का पार्ट एंड पार्सल है और ना ही वो कोई इंडिपेंडेंट स्टेट रह गई है और इंडिया ने जिस तरह इसको खत्म करके अपना राजधानी का ऐलान किया है मैं समझता हूँ कि शायद ये बांग्लादेश में जो मशरिक पाकिस्तान था वहां भी ये मामला ना था जिस तरह इंडिया ने वहां काम किया तो मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे साथ हैं और कश्मीर में पोजीशन ये है कि शायद ही वो कश्मीरी हो जिसकी आवाज पाकिस्तान के ना साथ ना झलकती हो। 15 अगस्त होता है तो वो योम सियाह मनाते हैं 14 अगस्त को योम पाकिस्तान मनाते हैं मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी असली कुवत के लिए और आप सबके लिए भी एक सवाल है। दोस्तों भाइयों मैं इसका एक दूसरा पहलू भी आपके सामने रखूंगा कि जो आर्टिकल 370 और 35 है उसमें मैं समझता हूँ कि जो इंडिया में हमारे दोस्त या हमारे कश्मीरी रहनुमा उसमें जो वहां पटिशन करेगा वो तो अपनी ही जगह है मगर क्या हमारी ये जिम्मेदारी शामिल नहीं है कि हम उसके सबसे बड़े वकील हैं हम सबसे बड़े दावेदार हैं हम इस बात का ऐलान तो करते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराग है और आप देखिए कि हमारे यहाँ हमारे मामला कहाँ पे खड़े हैं हमारे लोग इसी बात पे चले भाग दौड़ कर रहे हैं कि जी हम इसको उठाते हैं इसको लेके चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये राइट टाइम है कि हमको वहां पे एग्रेशन करनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जिस चीज को दबाने की कोशिश की गई और मुजाहिदीन ने कोशिश की थी और जिस तरह इंडिया और जिस तरह अमेरिका के साथ और यहाँ अफगानिस्तान के साथ मुजाहिदीन का साथ ये लोना खेल खेला गया आपको वक्त है कि हमें इसके लिए उठ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों भाइयों मैं
हवाले से बड़ी हौसला अफजा बात की और कल के पार्लियामेंट के इजलास में जब कंसेंसस नजर आए, मगर मैं समझ जाऊंगा क्या हमारी कौम ने या हमारे मुल्क ने ये कोशिश की कि हमने फौरी तौर पर यूएनओ का दरवाजा खटखटाया, क्या हमने फौरी तौर पर ओआईसी के लिए और क्या हमने साथ में अपने लिए इसको बात को वॉइस किया। मैं समझता हूँ कि शायद चलते चलते ये वही मामला हो चलना है जिस तरह फलस्तीन में होके चला, हम एहतजाज करेंगे और चलते चलते वही एक बना देंगे कि ये पट्टी बन गई और उनकी टेरिटरी बन गई। हालात मोहतरम, मैं आपको मुतमन करता हूँ कि ये वो एक इंटरनेशनल साजिश है जो ट्रंप ने कहा कि मैं सासी को तैयार हूँ, वो पहले से तैयार रखा हुआ था, पहले से मोदी के साथ वो इन टर्म था कि ये मामला हम करने चले हैं और हमारे लीडर साहब वहां पे गए, उन्होंने कहा कि ठीक है जी वो साक्षी कराने को तैयार है। मैं समझता हूँ वो साक्षी इस बात ही कराएंगे कि कहीं हमारे उनके साथ जंग होगी तो उसमें एक आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करेंगे। मैं आप दोस्तों के हवाले से ये बात और माध्यम क्या तक पहुंचाना चाहता हूँ कि दोस्तों भाइयों, आज का दिन, आज की तारीख ये याद रखिए, कल हम हो या ना हो, जिस तरह इंडिया ने उसको ऑक्यूपाइड करने की कोशिश की है, अगर हमारा रवैया ये रहा तो हम कश्मीर के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे बल्कि शायद हम इंडिया का एक इंस्ट्रूमेंट बन के उनके साथ चल रहे हैं। मैं इस मौके पे ये कहूंगा जिस तरह मैं बताया था मुझसे पहले पिछले दोस्तों ने कहा कि फौरी तौर पर पूरे मुल्क की जो सियासी क्यादत है वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी से है, वो फौरी तौर पर इस मामले के ऊपर जो है वो कंसेंसस करें, फौरी तौर पर एक लाहेवंद बनाया जाए और इसके ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो क़रारदाद जो कि यूएनओ में पड़ी है 48 में नेहरू की, उसके ऊपर ये राइट टाइम है कि अब जो है उसके ऊपर इस्तिस्वा करवाया जाए वहां पे। और दोस्तों भाइयों, मैं आज के हवाले से ये बात भी कहूंगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर इतफा नहीं करना चाहिए, हमारी तरफ से यूएनओ के जो हाई कमीशन है वहां पर एक क़रारदाद पेश की जानी चाहिए लाहौर हाईकोर्ट लाहौर की तरफ से, हमारा कम अज कम ये रोल तो होना चाहिए और हमें फौरी तौर पर इसके लिए एक जो हम हमेशा माजी में करते रहे हैं लाहौर की तरफ से कि हमने यूएनओ ओआईसी और मुख्तलिफ ममालक में अपनी क़रारदादें जो है वो भिजवाई हैं। तो मैं आज के हवाले से सदर ग्रामीण की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हाउस की ये कार्रवाई और क़रारदाद की जो है उनको ट्रांसमिट की जाए और मुख्त वक्त से मुकाबला किया जाए कि वो फिल फोर इस चीज का ऐलान करें कि आप वहाँ पे स्टेट ऑफ उसमें कोई गवर्नमेंट वहां पे मौजूद नहीं है। तो फौरी तौर में मैं ये बात कहूंगा, शायद ये बात मेरे दोस्त इसको शायद जज्बाती पास से लें, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक जो रिमांड है वो बांग्लादेश वाला जो है वो हम इनसे ले सकते हैं। आप खुदा आपका बहुत शुक्रिया।